इनके लब रंगी मिठावर के जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसाइले शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट के तीसरे सीज़न का पहला टेस्ट था, जिसके सवाल जवाब इस तरह थे। पहला सवाल ये था कि कुफार पर यानी काफिरों पर भेजे गए सबसे पहले रसूल कौन हैं। इसका सही जवाब था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अगला सवाल था, हुजूर के बाद अंबिया में सबसे बड़ा मर्तबा किस नबी का है। इसका सही जवाब था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगला सवाल था, क्या हमारे नबी को ये इख्तियार है कि शरीयत में जिसके लिए चाहे हराम कर दें जो चीज़ और जिसके लिए चाहे हलाल कर दें। इसका सही जवाब है हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला हुआ है, जिसकी दलाइल जो है वह हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं। अगला सवाल था कि दीन में वो काम जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद शामिल हुए, यानी दीन में वो काम जो हुजूर के ज़माने के बाद शामिल हुए उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही जवाब था उन्हें बिदअत कहते हैं। अगला सवाल था कि दीन में बिदअत जायज़ और सवाब भी हो सकती है। इसका जवाब है हाँ, बिदअत जो है वो जायज़ और सवाब भी होती है और नाजायज़ गुनाह भी होती है, बल्कि वाजिब भी होती है उसको करना। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इनको जानने के लिए आप उस किताब का मुताला कर सकते हैं। हर बिदअत गुनाह नहीं, गूगल पे आसानी से आप टाइप करके किताब को तलाश सकते हैं, नाम के साथ सिकंदर वारसी बुक। हर बिदअत गुनाह नहीं, हिंदी ज़ुबान में टाइपिंग है उसकी, तो आप उसमें पूरी तफसील जो है बिदअत के ताल्लुक से पढ़ सकते हैं, और भी बद मज़हब के सवाल जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल था, खुलफाए राशिदीन कितने सहाबा को कहा जाता है। और इसका सही जवाब था 5 सहाबा को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अगला सवाल था, खलीफा लफ्ज़ की जमा यानी बहुवचन क्या होता है। इसका सही जवाब था खुलाफा, खलीफा का बहुवचन खुलाफा होता है। अगला सवाल था, औरत को वह खून यानी औरत को वो खून जो बच्चे की विलादत के वक्त निकलता है यानी उस दौरान निकलने वाले खून को क्या कहते हैं। इसका जवाब था निफास। अगला सवाल था, औरत का वो खून जो बीमारी के वजह से उसकी शर्मगाह से निकलता है उसको कहते हैं इस्तेहाज़ा। इसका सही जवाब था। अगला सवाल और आखिरी सवाल था कि 2 माह के बच्चे के पेशाब किस नजासत के हुक्म में होता है, यानी 2 महीने का बच्चा अगर पेशाब करे तो उस नापाकी को किस हुक्म में रखेंगे। इसका सही जवाब था गलीज़ा, यानी नजासत गलीज़ा के हुक्म में। ये सवाल और कुछ जवाब थे, उम्मीद है कि आपके इल्मी दीन में इजाफ़ा हुआ होगा। मसाइले शरीयत यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट का सिलसिला होता है। ये टेस्ट हर सैटरडे यानी हफ्ते की रात इंडिया टाइम के हिसाब से 9:50 पर ऑनलाइन वेबसाइट पर लिया जाता है, यानी test.smsfarsi.com पर। यह वेबसाइट सिर्फ उसी दिन उसी टाइम पर ओपन होती है, और ओपन होते ही इसमें आप अपनी डिटेल हाथों हाथ फिल करें, सवाल आपको शो होंगे, टिक मार्क वाले जवाब होंगे, उसमें आप जवाब दें। हर सीज़न में 10 सवाल होते हैं, और सभी 10 टेस्टों में जीतने वाले, हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले 3 मेल और 3 फीमेल विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम की रकम भी दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर टाइप करें सिकंदर वारसी ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, या मसाइले शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट कैसे दें, आपको सारी तफसील उस वीडियो में मिल जाएगी। वरना ऑनलाइन इस्लामिक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट की प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, उस प्लेलिस्ट में भी आप वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन लोग नहीं कर सकते। पत्थर में असल